हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एमसीसी की सेकंड राउंड काउंसलिंग की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेस्ड ऑन लास्ट फ्यू ईयर्स वो बताने वाला हूँ। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी सबका इसमें बताऊँगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। तो वाइज जो सेकंड राउंड में एमसीसी की सेकंड राउंड एक्सपेक्टेड कट आउट जो रह सकती है वो यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए 580, एससी के लिए 465 और एसटी के लिए 445, यानी कि 445 मार्क्स ये सब रह सकती है। तो वाइज ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये बेस्ड ऑन लास्ट फ्यू ईयर्स है। जैसे अभी आपको पता हुआ है यूआर और ओबीसी की अभी 591 गई है फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में जैसे कि हर बारी पेपर की जो डिफ़िकल्टी और सारे जो पैरामीटर्स को देखते हुए कट ऑफ आती है लास्ट फ्यू ईयर्स में, तो उस हिसाब से इस बार 10 से 12 मार्क्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो इसलिए 591 की जगह सेकेंड राउंड में 580 मार्क्स ये हो सकता है। तो वही इसके अलावा ये तो बात हो गई, ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये ऑल इंडिया कोटा की है एक्सपेक्टेड सेकेंड राउंड कट ऑफ। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में तीन यूनिवर्सिटी के एम सी मणिपाल और हमदर्द और लोनी, इसमें 5 से 7 मार्क्स बढ़ने की उम्मीदें हैं जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जितनी भी डीम यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 5 से 7 मार्क्स या 10 मार्क्स तक कट ऑफ नीचे जाएगी फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में। तो वही इसके अलावा बात करें हम सेकेंड राउंड के शेड्यूल के बारे में, तो 9 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2019 तक आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो आपकी चॉइस लॉकिंग है वो 12 जुलाई 2019 को आप उसको कर सकते हैं, और अगर आपने फर्स्ट राउंड में करा था तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 13 जुलाई से 15 जुलाई तक अलॉटमेंट जो प्रोसेसिंग है वो हो जाएगी। 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन 15 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी अपने कॉलेज में। तो गाइज़ ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ए ऑल इंडिया कोटा और डीम यूनिवर्सिटीज़ को लेके। तो गाइज़ ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो गाइज़ मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।